नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज भारत ऑनलाइन में। मई का महीना शुरू हो गया है और बढ़ते दिनों के साथ साथ गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। आज 23 मई को देश की राजधानी दिल्ली का पारा 45 डिग्री को पार कर गया। चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 10 शहर हैं जो सबसे ज्यादा तप रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश के 10 सबसे ज्यादा गर्म शहरों की बात करें तो इनमें 5 तो अकेले राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 2-2 और एक शहर यूपी का है। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस सूची को, जिसमें पूरे 10 शहर, उनके राज्य और उनके अधिकतम तापमान के बारे में बताया गया है। सबसे पहला शहर हमारी सूची में सबसे ऊपर है चूरू, जो कि राजस्थान का एक शहर है, जहां पे अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री रहा। उसके बाद हमारी सूची में आता है श्री गंगानगर, जो दोबारा से राजस्थान का था। यहाँ पे भी अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री बना रहा था। अगला शहर हमारा यूपी का झांसी है, जहाँ पे 47.1 डिग्री अधिकतम तापमान था। अगला शहर हमारा दोबारा राजस्थान का है, जो कि है पिलानी, जहाँ पे अधिकतम तापमान 47.0 डिग्री रहा। अगला शहर है नौगांव, जो कि मध्य प्रदेश का है, जहां का अधिकतम तापमान रहा है 45.8 डिग्री सेल्सियस। अगला है बीकानेर, जो दोबारा से राजस्थान का है, जहां का अधिकतम तापमान रहा है 45.6 डिग्री सेल्सियस। अगला है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र का है, इधर का अधिकतम तापमान रहा है 45.6। अगला शहर दोबारा से महाराष्ट्र का है, जो कि है चंद्रपुर, जिसका अधिकतम तापमान रहा 45.5। अगला है एमपी का एक शहर खजुराहो, जहां का अधिकतम तापमान 45.5 रहा है। हमारा आखिरी शहर दोबारा से राजस्थान का है, जो कि कोटा, जहां का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री रहा है। माना जा रहा है कि अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत, खासकर राजस्थान में गर्मी के राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज लू चल सकती है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे में लू की जबरदस्त मार झेलनी होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलेंगी। अगले हफ्ते कई जगहों पर पारा 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आगे की मौसम विभाग की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज भारत ऑनलाइन के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।